हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवीन क्लासेस। आप सभी का यूवीन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज चल रहे हैं हम हमारी सेकंड सीरीज में। फर्स्ट सीरीज में हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज है हमारी सेकंड सीरीज। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंटिटीज इन ग्रुप वन ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स FRBR मॉडल जो है RDA का, उसमें इसका क्या सीक्वेंस है। तो इसका सीक्वेंस रहेगा सबसे पहले वर्क्स, देन एक्सप्रेशन, देन मैनिफेस्टेशन, देन आइटम। नेक्स्ट, व्हेन द लास्ट प्रिंट वर्जन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वाज पब्लिश्ड। लास्ट प्रिंट वर्जन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कब पब्लिश हुआ था? 2010 में। आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर इफ्ला वाज द फर्स्ट फाउंड। इफ्ला कहाँ फाउंड किया गया था? तो यह है एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स IFAP वॉज लॉन्च्ड बाय। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट, अ क्रॉस रेफरेंस दैट गिव्स एन इंडेक्सर कंप्लीट कंट्रोल ओवर द क्रॉस रेफरेंसेज ऑफ एन इंडेक्स इज नोन एज इन्वर्टेड क्रॉस रेफरेंस। नेक्स्ट, DMAIC इज द एक्रोनिम फॉर। किसका एक्रोनिम है ये? यह डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल इज द राइट आंसर। अ टेम्पलेट इज ए, टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट इज ए स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट, हु हैज़ रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट तालुका टाउन एंड विलेज लाइब्रेरीज। द राइट आंसर विल बी फीजी रिपोर्ट। ओके, फीजी रिपोर्ट विल बी द राइट आंसर। फ्रॉम विच ईयर द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सीज्ड इट्स प्रिंट वर्जन। प्रिंट वर्जन सीज 2012 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडियन साइटेशन इंडेक्स ICI इज डेवलप्ड बाय। ICI डेवलप्ड बाय इज नॉलेज फाउंडेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, SQL इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। SQL किस पे बेस्ड है? ये है रिलेशनल एलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। ओके, बी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ रिव्यू ऑफ रेफरेंस बुक। बुक्स, रेफरेंस बुक्स के लिए रिव्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 1, 2 and 4 अमेरिकन बुक रेफरेंसेस एनुअल, 1, 3 टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट एंड बुक लिस्ट। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है इनको, तो ये होगा इसका राइट आंसर। ALA 1876, सिलिप 2002, SLA 1909 और ILA 1933। द टर्म लिटरेरी वारंट फॉर बुक क्लासिफिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। द टर्म लिटरेरी वारंट फॉर बुक क्लासिफिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? WCV Sears के द्वारा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर इनेक्टमेंट। देन दिस विल बी द राइट आंसर। सबसे पहले आएगा राजस्थान, देन लक्षद्वीप, देन बिहार एंड देन अरुणाचल प्रदेश। ओके, द मॉडर्न कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन 1971 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ। इसके लिए किया गया था ये? ये था पॉलीटेक्निक लाइब्रेरीज के लिए। ओके, पॉलीटेक्निक लाइब्रेरीज। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ISBD एंड कैटलॉगिंग कोड्स। इसके बीच में क्या रिलेशन्स हैं? ये है एंग्लो अमेरिकन कोड्स इंक्लूड्स बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। दिस विल बी द राइट आंसर। हु फर्स्ट यूज द फ्रेज बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल। बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल किसने यूज किया था? लूथर इवांस। जोसेफ डब्ल्यू
लिपिकॉट अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू द लाइब्रेरियंस फॉर, किसके लिए दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन. नेक्स्ट, LIPHIS लिंक्ड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम वॉज डेवलप बाई, किसके द्वारा डेवलप की गई थी? TC क्रेवन के द्वारा. LIS गेटवे इज मेंटेन बाई, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? ILA के द्वारा. वट टाइप ऑफ लाइब्रेरी सॉरी बिब्लियोग्राफी इज इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये कैसी बिब्लियोग्राफी है? तो ये है एन्यूमरेटिव. नेक्स्ट, EUAL स्टैंड फॉर, EUAL की फुल फॉर्म क्या होगी? ये होगी एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट. नेक्स्ट, वीपो अकेडमी डील्स विद, किसके लिए डील्स करती है वीपो अकेडमी? देन द राइट आंसर विल बी कोर्सेज ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन PLA इज द डिवीजन ऑफ, किसका डिवीजन है? ALA का. फिर से मैच है, मैच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन लिटरेसी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स फॉर हायर एजुकेशन. ए विल बी द राइट आंसर. ठीक है, इसका थर्ड ACRL. देन सेवन पिलर्स फॉर ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज द SCO annual, गाइडलाइंस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज इफ्ला, एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वर्किंग ग्रुप इसका होगा CAUL. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस विद द रिस्पेक्टिव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस. राइट आंसर विल बी फोर्थ, लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी इज फर्स्ट लॉ, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट इज सेकेंड लॉ, पब्लिसिटी will be the third law and strength of library staff is the fifth law. Next question, which committee recommended that Imperial Library be designated as copyright library? Right answer will be Sadler Committee 1916. Who was the first librarian of Imperial Library Calcutta? Iske first librarian kaun the? जॉन मैकफेरलेन. नेक्स्ट, हु कॉइन्ड द फ्रेज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल किसके द्वारा की गई थी? कैल्विन मूर्स. इन कॉलम क्लासिफिकेशन विच इंडिकेटर हैज बीन यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग इंटरपोलेशन? राइट आंसर विल बी एस्ट्रिक्स. व्हाट इज डेनोटेशन? डेनोटेशन क्या है? इज डिवाइडिंग क्लासेस इंटू इंक्रीज इंटेंशन एंड डिक्रीज एक्सटेंशन. द इंटरनल बॉडी दैट कोऑर्डिनेट द असाइनमेंट ऑफ यूनिक डोमेन नेम्स प्रोटोकॉल एड्रेस इज ISP. नेम द इंडियन लाइब्रेरियन हु वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ खान बहादुर इन 1935 बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट. ये पहले भी आया था. इसका आंसर है KM Asadullah. मैच द फॉलोइंग लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी, ये कब आई थी? ये आई थी इसमें 1957 में. देन रिव्यू कमेटी 1961, देन DRTC 1962 एंड शारदा रंगनाथन एक्ट 1963. मैच द फॉलोइंग अगेन. डिक्शनरी वर्ड्स और सिनोनिम होते हैं. ग्लोसरी में क्या होते हैं? ग्लोसरी में होते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स. ट्रेजर, ट्रेजर के अंदर होता है सिनोनिम्स टर्म्स. एंड लेक्सिकॉन में फॉरेन लैंग्वेजेस. OAISTER इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन, ये होता है मेटा डाटा हार्वेस्टिंग पे. हु इज द कंपाइलर ऑफ वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर की वेब बिब्लियोग्राफी का कंपाइलर कौन है? तो ये होगा RRRLF. हु आर द पब्लिशर्स ऑफ ईयरबुक ऑन ह्यूमन राइट्स? द राइट आंसर विल बी यूनाइटेड नेशंस. ASTINFO स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी?
इसकी फुल फॉर्म होगी रीजनल नेटवर्क फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया एंड द पैसिफिक। इफ्लास प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इज नेम्ड एज BSLA। द मेजर ऑफ सर्टेनिटी ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी इज कॉल्ड एज रिडंडेंसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशंस ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज। द राइट आंसर विल बी बी, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट एंड राइट मैनेजमेंट आर करेक्ट। हुज हु इन इंडिया एंड इरेगुलर पब्लिकेशन इज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? बिजनेस प्रेस बॉम्बे के द्वारा। विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद द पब्लिक लाइब्रेरीज। द राइट आंसर विल बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। इंफॉर्मेशन ऑन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कैन बी फाउंड इन, कहाँ से मिलेगी हमें ये स्टेटमेंट्स ईयर बुक। नेक्स्ट, इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया इन इंडिया 1990 से 1999 रिपोर्ट कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर, किसके अंडर कैटेगराइज की जाएगी ये ट्रेंड रिपोर्ट में। इन द लाइब्रेरी हायरार्की विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मिडिल लेवल। नेक्स्ट, MeTS stands for मेटाडाटा एनकोडिंग ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, अ नेटवर्क इन विच द होस्ट कंप्यूटर कंट्रोल्स डिफरेंट नोड्स विच फर्दर कंट्रोल अदर नोड्स इज नोन एज हायरार्किकल नेटवर्क। हिस्टोरिकल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन आर मेंटेन्ड इन 1 and 3 archives and repositories. Next, which of the following principles are associated with library building planning? The right answer will be second, third and fourth. Principle of comfortability, simplicity and continuity. Next, ETD database in India is maintained by, ETD database किसके द्वारा maintain किया जाता है? तो ये होगा second and third, विद्या निधि एंड शोध गंगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वोकैबुलरी इन अ डेटाबेस इज कंट्रोल्ड बाय, वोकैबुलरी इन अ डेटाबेस इज कंट्रोल्ड बाय थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड फाइल्स एंड अथॉरिटी फाइल्स। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, राइट आंसर विल बी सी, थर्ड 3, 2, 4, 1 सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी, ठीक है, इसका होगा लिस्टिंग ऑफ आइटम्स विद मिनिमम डिटेल्स। एनालिटिकल और क्रिटिकल इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ बुक्स। हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी का होगा कंसर्न विद आर्ट ऑफ राइटिंग प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग। एंड डॉक्यूमेंट्री बिब्लियोग्राफी इज लिस्ट ऑफ मैक्रो माइक्रो आइडियाज ऑफ आर्टिकल्स। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग क्वेरीज विद देयर अप्रोप्रिएट कैटेगरी ऑफ रेफरेंस सोर्सेज, इसका आंसर होगा डी 3, 4, 1, 2 एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी, इसका हमें कहाँ से पता चलेगा? डायरेक्टरी से। वेदर ऑफ डेनमार्क, वेदर हमें पता चलेगा जियोग्राफिकल सोर्सेज से। नंबर ऑफ फॉरेनर्स विजिटेड वर्ल्ड बुक फेयर इन 2015, ये हमें पता चलेगा ईयर बुक से। एंड नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन चाइना इज स्टैटिस्टिकल सोर्स। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ लॉ क्या कहता है? रियल टाइम एक्सेस। देखिए, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है वेब एक्सेस टू रिसोर्सेज। सेकेंड लॉ कहता है ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स। थर्ड लॉ कहता है सर्च इंजन एंड सब्जेक्ट। एंड फोर्थ लॉ रियल टाइम एक्सेस। मैच द फॉलोइंग, एजुकेशन के लिए क्या नंबर यूज कर सकते हैं हम? एजुकेशन के लिए
हम यूज़ कर सकते हैं 370 मेडिसिन 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 के लिए यूज़ होगा 600, फोटोग्राफी के लिए यूज़ होगा 770 एंड एस्ट्रोनॉमी के लिए 520। ओके, दिस विल बी द राइट आंसर। गिव इन सीक्वेंस द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन, इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको सेट करना है, तो इसका होगा 2, 4, 3, 1। पहले 2 कैलकाटा, देन इम्पीरियल, देन इम्पीरियल लाइब्रेरी एक्ट, देन नेशनल लाइब्रेरी। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, इसके अकॉर्डिंग सेट करना है, तो होगा सबसे पहले 5 लॉज, देन कॉलन क्लासिफिकेशन, देन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, एंड देन फ्रोगलोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, वर्ल्ड फोर्ड ऑफ गाइड्स टू रेफरेंस मटीरियल इज पब्लिश्ड बाय लर्न्ड इंफॉर्मेशन लिमिटेड, सॉरी लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिशिंग लंडन इज द राइट आंसर। वट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज फॉलोड इन LISA, इज द राइट आंसर इज क्लासीफाइड। साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड बाई, साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड होंगे इंस्पेक, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फैकल्टी ऑफ इंडेस्ट इज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्फ्लिपनेट इज एन ऑटोनमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC। हुज थ्योरी इज द वॉल पिक्चर थ्योरी, वॉल पिक्चर थ्योरी किसकी है, ये है फेस सीक्वेंस। हु हैज़ गॉट द क्रेडिट फॉर द फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क इन इंडिया इज डेलनेट। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस फेवर्स फॉर द ओपन एक्सेस, ओपन एक्सेस के लिए कौन सा लॉ यूज होता है, 4th लॉ। विच ऑफ द लाइब्रेरी इज नॉट अ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, नॉट अ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट इज लाइब्रेरी हेराल्ड। हु वॉज द चीफ लाइब्रेरियन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के चीफ लाइब्रेरियन ये होंगे BS केशवन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज इम्प्लीमेंटेड द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन 2009, इज द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। डैश स्टेजेस आर देयर ऑफ टाइम आइसोलेट इन द कॉलन क्लासिफिकेशन, इज द राइट आंसर इज 2 स्टेजेस। इन द मेन क्लास डैश ऑफ द कॉलन क्लासिफिकेशन फर्स्ट स्टेज ऑफ पी हैज बीन टेकन फ्रॉम द जियोग्राफिकल पार्ट, पी इज ऑल ऑफ द अबव, हिस्ट्री फाइन आर्ट्स एंड लॉ। इन इंडिया फर्स्ट PhD इन लाइब्रेरी साइंस वॉज गिवन बाई, किसके द्वारा दी गई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ए लाइब्रेरी, परमानेंट रिकॉर्ड कौन सा है, एक्सेशन रजिस्टर। देयर आर डैश पार्ट्स इन न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका, कितने हैं, 3 पार्ट्स। वट इज द एडिशन ऑफ BNB, ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी, इसका एडिशन क्या है, वीकली आता है ये। ई बुक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हैज बीन डेवलप्ड बाई NIC। इन इंडिया एनलिस्ट इज डेवलप्ड फॉर द प्रॉफिट ऑफ कॉलेजेस, एनलिस्ट किसके प्रॉफिट के लिए होते हैं, कॉलेजेस के लिए। इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस एंड पर्संस इज फाउंड इन डाइजेस्ट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी हैज़ द एक्स्ट्रा सोर्स फॉर बैलेंस चार्ज इनकम इज अकेडमिक। हाइपोथेसिस फॉर आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन एंड नोटेशनल प्लेन वॉज गिवन बाई SR रंगनाथन, राइट आंसर विल बी SR रंगनाथन। डैश इज द पार्ट ऑफ कलेक्शन नंबर, कलेक्शन नंबर का पार्ट कौन सा होता है, कॉल नंबर। ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट द लाइब्रेरियन क्लब वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर एट 1919 कोलकाता। माला इन्फोजाइन इज ए डैश ऑफ मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, राइट आंसर विल बी न्यूज़लेटर। फुल फॉर्म ऑफ सिलिप इज, फुल फॉर्म क्या है,
चार्टर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट, चट्टोपाध्याय कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंट की गई थी, ये की गई थी कल्चरल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स नेशनल लाइब्रेरी मिशन इज रिकॉग्नाइज्ड, 3। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हेल्प्स इन डेकोरेटिंग द पब्लिक लाइब्रेरीज इन बेटर वेज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज मॉडल लाइब्रेरी बिल हेल्प्स इन, किस में हेल्प करते हैं, तो ये हमें हेल्प करेंगे। राइट आंसर विल बी मार्क मेकिंग ड्राफ्ट फॉर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। सो ये कुछ क्वेश्चंस की सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।